आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपको तत्काल मदद मिलेगी। देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले से प्रशासन अलर्ट हो गया है। लगातार कोरोना मामलों में इजाफा होता देख टीकमगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है और लोगों से मास्क का उपयोग करने के लिए रोको टोको अभियान को भी तेज किया गया है, जिसमें मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते केसेस सामने आ रहे हैं। यद्यपि अभी टीकमगढ़ जिले में स्थिति काफ़ी अच्छी है। वर्तमान में केवल 19 पॉजिटिव केस हैं, कल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। फिर भी एहतियात के रूप में हमने मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश हैं गृह विभाग के, वो पूरी तरीके से लागू कर दिए हैं। प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजा के लोगों को मास्क लगाने के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत। जो इससे नहीं मान रहे हैं उनके लिए रोको टोको अभियान पुलिस, नगर पालिका और राजस्व के संयुक्त अमले द्वारा चलाया जाकर 100 रुपये चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो रेलवे स्टेशन से बाहर के यात्री आ रहे हैं देश के अन्य जगहों से, उन पर भी स्क्रीनिंग यथा उनका टेम्परेचर लेना, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, वो किया जा रहा है। हमने जिले की जनता से अपील की है कि होली अपने परिवार वालों के साथ ही खेलें, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने का कम से कम रहे। वैक्सीनेशन भी हम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में लगभग 5,000 वैक्सीनेशन हम पर डे कर रहे हैं, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं और जो 45 साल से अधिक कोमार्बिड व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन मैं ज़िले की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाले त्यौहार के समय को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहनें, बार बार हाथों को धोएं, क्योंकि कोरोना से सुरक्षा में ही कोरोना से बचाव है। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिवेंद्र कुमार चौरसिया, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर टीकमगढ़। यहाँ पे टीकमगढ़ में भी कोरोना मरीज पॉजिटिव मिलने लगे हैं, तो इसके लिए एहतियात तौर पर यहाँ पे भी सावधानियाँ बरतने के लिए लोगों को से अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और बाहर आवश्यक हो तभी बाहर जाएं। और एक और जो यात्री ट्रेन से टीकमगढ़ आ रहे हैं उन सब की स्क्रीनिंग की जा रही है। और आगामी त्यौहार को देखते हुए, होली के त्यौहार को देखते हुए, लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर भीड़ वाले इलाके में कम जाएं या भीड़ कम रखें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। जी सर, कितनी जगह आपने टेस्टिंग की व्यवस्था की है कोरोना? जी, हमारे यहाँ टीकमगढ़ में लगभग 300-400 लोगों की टेस्टिंग रोज़ाना की जा रही है। जो आज एक ही मरीज पॉजिटिव निकला है, कल 4 पॉजिटिव निकले थे, तो इसलिए लोगों से ये अपील है कि कोरोना को भूलें नहीं, हल्के में मत लें। फिर से कोरोना शुरू हो गया है होना, इसलिए सावधानी बरतें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उनका ज़रूर पालन करें।
आपको बता दें, शासन द्वारा लगातार इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है कि आमजन इस बीमारी से दूर रहे, इसलिए लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शासकीय वाहन, नगर पालिका, नगर निगम की वाहनों से लगातार गलियों में अनाउंसमेंट करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा रोको टोको अभियान है, इसमें लोगों को इस चीज़ की हिदायत दी जा रही है कि वो मास्क लगा के सार्वजनिक स्थानों पर निकलें। इस संबंध में लगातार राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज टीकमगढ़ शहर में 5 जगह पर संयुक्त कार्रवाई के दौरान लगभग 133 ऐसे व्यक्ति जिनने मास्क नहीं लगाए थे, उनके चलानी कार्रवाई की गई है। लगातार जारी रहेगी ताकि आमजन सुरक्षित रहे। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से ऐसी अपील है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें, निकलते समय मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। बाइटन लगाते हैं। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज़। मुसीबत से अब घबराना नहीं, आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें और अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड बनाएं और साइन अप करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका रजिस्ट्रेशन ऐप में हो जाएगा। इसमें अपने सबसे नजदीकी केयर टेकर या परिजन का मोबाइल नंबर फीड कर एड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बटन प्रेस करें। सारी प्रोसेस के बाद अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम समेत परिजनों के पास पहुंच जाएगी और तत्काल आपको मदद मिलेगी।